हाई टू एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ प्रॉन पकौड़ा। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन माई चैनल। आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है और शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग्स को एज मच एज पॉसिबल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी100। तो चलिए देखते हैं मैंने प्रॉन पकौड़ा किस तरह से बनाया है। एक कप मसूर दाल ले और उसे अच्छे से धो के साफ़ कर ले और उसे भिगो के रखे। दाल को एक घंटे के लिए भिगो के रखें, फिर उसे अच्छे से छान के मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के पहले दाल में ऐड करें 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट एंड ऐड सम ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जिसको जितना तीखा खाना है उतना मिर्च ऐड करें। अब इसे दरदरा पीस लें। इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा पीस ले। दाल के पेस्ट को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर ले। अब उसी मिक्सर जार में प्रॉन्स को भी ग्राइंड कर ले। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम प्रॉन्स लिया है, ये छोटे साइज़ के हैं। प्रॉन्स भी मेरा ग्राइंड हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसे ग्राइंड करना है। प्रॉन्स को भी उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दे जिसमें हमने दाल रखा था। अब इसमें ऐड करें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड सम टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 चॉप्ड अनियंस। अब सबको अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करें कोरिएंडर लीव्स, अगेन मिक्स इट वेल। कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जितने भी डीप फ्राई वाले डिशेस मैं बनाती हूँ इस आयरन कढ़ाई में, आयरन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एज यू ऑल नो, एल्युमिनियम के जितने भी यूटेंसिल्स है इसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। पाम में मैं वाटर इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये हाथ में चिपके ना। इसे लो हीट में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चे और बड़ों को दोनों को बहुत ही पसंद आएगा और ये एज अ इवनिंग स्नैक्स भी आप सर्व कर सकते हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे टिश्यू पेपर पे निकाल के रख ले ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। प्रॉन पकौड़ा इज़ रेडी टू सर्व। इसे काशुंदी के साथ या टोमेटो सॉस, चिली सॉस या मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एट होम।